देखो बच्चों, आज का टॉपिक ये है कि हम ये ढूंढना चाहते हैं कि प्लैनेट स्पिन करते ही क्यों है, बिना स्पिन के काम नहीं चलेगा क्या। तो हमारे पास पता है कि यूनिवर्स में प्लैनेट और सन अगर एक दूसरे के आसपास है तो किस फोर्स के कारण है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव, वो दूसरे होते हैं वो खींचेगी खींचेगी, कभी रिपेयर तो कर नहीं सकती। तो जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ इस आयर छोड़ो तो कहाँ जाएगा, या इस नीचे की तरफ जो ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अगर मैंने बांध रखा है तो नीचे नहीं जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे भी रखने की कोशिश करूँ तब भी ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये जो पार्टिकल ऊपर क्यों है ये भी नीचे आ गए, ऐसे पैदल हो जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं रह सकता। किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि ऐसे रहे इस पोजिशन में, तो देखो मुझे क्या करना, ये मैंने इसे पकड़ लिया और इसे ऐसे रोटेट कर दिया और अब छोड़ दिया, क्या अब ये गिर रहा है कैसे, किस कारण से हो पाया है, स्पिन के कारण। अगर स्पिन करा रहा हूँ तो ग्रेविटी को ये डिफीट कर देगा, ग्रेविटी को हरा देगा। अगर स्पिन ना करूँ इसके लिए नॉर्मल से कम हो जाए तो भी नहीं ग्रेविटी को डिफीट कर पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए तो ग्रेविटी को भी डिफीट कर सकता है। प्लैनेट के साथ भी यही होता है, अगर वो स्पिन ना करे तो सन की ग्रेविटी के कारण उसी में चिपक जाएंगे, स्पिन करने से वो ग्रेविटी को डिफीट कर पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को। बात समझ आई, इसलिए जितने भी प्लैनेट हैं चाहे उनका जीवन संभव है या नहीं संभव है उसे स्पिन करना ही पड़ता है। हमारे लिए स्पिन के दो फायदे हो गए, एक तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स से बच गए और दूसरा दिन और रात का समय भी हमें मिल गया था। लेकिन दूसरे प्लैनेट को दिन रात का पैदल तो नहीं, लेकिन वो सन के जाने से बच पड़ी है, इसलिए वो